अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट है। प्रीवियस लेक्चर में 6 शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, आज भी कुछ 6-7 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन जो भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखना वो है वाटर इंटरस्टीशियल कंपाउंड। ये इंटरस्टीशियल कंपाउंड होते कौन से? भाई जो इंटरस्टीशियल वर्ड निकला है ना, ये निकला है इंटरस्टाइसिस से। कहाँ से निकला है? इंटरस्टाइसिस। इंटरस्टाइसिस बेसिकली कहते हैं खाली जगह को, खाली जगह या गड़े को कहते हैं, खाली गड़ा, खाली गड़ा। अब इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो हमने पढ़े हुए लास्ट टाइम। अगर मैं सपोज करता हूं ये मेरे पास एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और इसमें ना किसी किसी जगह पर खाली जगह रह जाती है, इंटरस्टाइसिस रह जाती है, और इन इंटरस्टाइसिस के अंदर हम छोटे एलिमेंट्स, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स पुट कर देते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड को बेसिकली हम नाम देना शुरू कर देते हैं इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स। क्या नाम देना शुरू कर देते हैं? इंटरस्टीशियल कंपाउंड। मतलब ये हमारे पास एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर किसी किसी जगह पर खाली जगह इस तरह पड़ी होती है, ये तो मैं बड़ी करके बना रहा हूँ ना, लेकिन बड़ी नहीं होती, इतनी बड़ी नहीं होती। कहते इनके अंदर ना हम क्या कर देते हैं, स्मॉल नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर इंटर्ड इन द इंटरस्टाइसिस इंटरस्टाइसिस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट मसलन यहां पे अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो खाली जगह पड़ी हुई है यहां पे ये छोटे छोटे एलिमेंट आके जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड को इंटरस्टीशियल कंपाउंड कहते हैं। कि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर क्या करते हैं, ये छोटे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स को प्लेस कर देते हैं, तो इसके बाद जो चीज ओवरऑल बनती है इसको इंटरस्टीशियल कंपाउंड कहते हैं। और याद रखिए कि इसको इंटरस्टीशियल अलॉय भी कहते हैं, इंटरस्टीशियल अलॉय का भी नाम दे रहे होते हैं। आपके इंटरस्टीशियल कंपाउंड वर्ड आ जाए, इंटरस्टीशियल अलॉय वर्ड आ जाए, दोनों का मतलब सेम है। बेशक वर्ड इंटरस्टीशियल कंपाउंड हो या इंटरस्टीशियल अलॉय हो, कि ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो बारीक बारीक या छोटी छोटी खाली जगह पड़ी होती है उसके अंदर किसी भी नॉन मेटल को ला कर रख दो, तो इस तरह हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा इसको इंटरस्टीशियल कंपाउंड या इंटरस्टीशियल अलॉय का नाम दे रहे होते हैं। तो यह जिसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आ रही है वह है व्हाट इज चिलेट। गिव टू एग्जांपल, चिलेट क्या है, कोई से दो मिसालें दे, दो की बजाय ना कम से कम एक कर लो, एक तो आपको आनी चाहिए। गिव वन एग्जांपल, कम से कम एक आनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, इससे पहले हम ये वाला और ये वाला करेंगे, क्योंकि अगर ये वाले तीन शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए तो समझ लीजिएगा कि चिलेट वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने लगा हूँ। बेसिकली ये जितने भी सवाल है यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से ऑनवर्ड यहाँ तक जितने भी सवाल हैं, ये सारे के सारे सवाल रिलेट कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। किसे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैं एग्जांपल एक दूँ, आपने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, पोटाशियम फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसे? अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला था K4FeCN6। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एग्जांपल है। इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ ना, ये बेसिकली होता कैसा है तो ज़रा गौर कीजिएगा, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखने लगा। बच्चे ये ना दरमियान में आयरन होता है Fe, दरमियान में क्या होगा हमारे पास Fe, इसके साथ 6 CN जुड़े होते हैं। कितने CN जुड़े होंगे? 6। एक CN यहाँ पे, एक CN यहाँ पे, एक CN यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह इसके इर्द गिर्द 6 CN जुड़े होते हैं।
और हर सीएन पता क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होता है आयरन को, हर सीएन एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होता है। शायद आपने पढ़ा हो कि जो ये वाला एरो हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला इस तरह का एक एरो इस्तेमाल करते हैं और इसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड को या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड उसको जाहिर करने के लिए इस एरो का इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर कोई एटम दो के दो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को दे रहा हो, मसलन मेरे पास अमोनिया है, आपने इस तरह की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। अब इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन है और इन दो इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, लोन पेयर। अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे, मतलब मैं H प्लस साइन को दे रहा है, तो हम यहां यूज करते हैं इस तरह का एरो। क्या यूज कर रहे थे? इस तरह का एरो इस्तेमाल कर रहे थे। तो वहां भी मैंने इस तरह का एरो इस्तेमाल किया है। बेसिकली ये जाहिर करता है कि हमारे पास जो साइनाइड है वो सेंट्रल मेटल एटम, इसको सेंट्रल एटम कहते हैं, जो दरमियान के अंदर है इसको सेंट्रल एटम कहते हैं। और इसको ना हम अमूमन इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। यहां पर देख लो, ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको बंद किया और इसके बाहर वाली साइड पर क्या है जी, चार पोटासियम, जो बिल्कुल सेंटर के अंदर होगा इसको कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहेंगे? सेंट्रल मेटल एटम का नाम दे रहे होते हैं। अब इसके इर्द गिर्द ये जो चीजें लगी हुई है ना, इसको हम नाम दे रहे होते हैं लिगंड का। क्या नाम दे रहे होते हैं? लिगंड। लिगंड एक ऐसी शय है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होता है। क्या? लिगंड एक ऐसी शय है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होता है, उस शय को लिगंड कहते हैं। उस शय क्या कहते हैं? लिगंड का नाम दे रहे होते हैं। और ये सेंट्रल मेटल दरमियान में, दैट्स व्हाट इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा, इस पूरे को, इतने को, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने बंद किया हुआ है, मतलब इसके अंदर दो चीजें आ रही हैं, लिगंड प्लस सेंट्रल मेटल एटम। इस पूरे को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आते हैं इनके डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास क्या है जी, व्हाट इज लिगंड, गिव इट्स टाइप्स। लिगंड क्या है, टाइप्स बताओ। तो लिगंड क्या जी, स्पीशी, एक ऐसी शय है विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था टू द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। इसको हम नाम देंगे इस कार्ड लिगंड। मसलन अगर मैं K4FeCN6 की बात करूं, तो यहां पे इस कंपाउंड में CN इज आ लिगंड। ये जो CN है ये क्या हमारे पास लिगंड है। याद रखिएगा, लिगंड दो तरह के हो सकते हैं, अमूमन दो तरह के होते हैं। या तो लिगंड न्यूट्रल होगा, मसलन वाटर एंड कार्बन मोनल, इसको कार्बनल कहते हैं, अमोनिया भी इसके जमाने में आ रहा था। या तो लिगंड नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इन दोनों में से एक काम होगा, या तो लिगंड न्यूट्रल होगा या लिगंड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, सही है। अब इसके टाइप्स की बात करूं लिगंड की, तो लिगंड की बेसिकली तीन टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? तीन। एक होता है जी मोनोडेंटेड लिगंड, मोनोडेंटेड लिगंड। सेकंड टाइप है डाई डेंटेड लिगंड। और थर्ड टाइप है पॉलीडेंटेड लिगंड, पॉलीडेंटेड लिगंड। अब मोनो क्या होता है जी? मोनो डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट वन
इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा हो, जिस तरह ये वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एरो का मतलब क्या है, ये पूरे का पूरा लिगेंड सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, और बाई या डाई डेंटेट लिगेंड क्या करेगा, टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और पॉली मोर देन टू, मोर देन टू। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बाई डेंटेट लिगेंड की। मेरे पास ये वाला कंपाउंड सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, ओ ओ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ये बाई डेंटेट लिगेंड होगा जो दो जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, एक ही शहर दो जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, उसको कहते हैं बाई डेंटेट लिगेंड। क्या कहते हैं, बाई डेंटेट लिगेंड। ये थे जी हमारे पास लिगेंड की डेफिनेशन। लिगेंड के बाद जो हमारे पास व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, गिव टू एग्जांपल, मैंने कुछ कंपाउंड वहां पे लिखे हैं, आपको पहचान करने बता देता हूँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। आप बाकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एग्जांपल दे सकते हो, तो ये वाली पड़ी हुई है सारी की सारी, सही है, सारी सारी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं। अच्छा अब यहाँ पे आओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, दो चीज़ों को कलेक्टिवली हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, किनको, लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल एटम को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात याद रखिएगा, इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, रिटन रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, किस में लिखा जाता है जी, स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा लिखा जाता है, कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में लिखेंगे। अगर मैं यहां बात करूं, ये तो पूरे का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा हमारे पास, पूरे का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहां पे देखा जाए तो ये इतना हिस्सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहां पे देखा जाए तो ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये इतना हिस्सा हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, यहां पे देखा जाए तो ये इतना हिस्सा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। ये क्या होगा हमारे पास, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की आम बात यही है, वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, वहां से उठाओ यहां पे लिखो, मसलन के फोर एफ सी एन, मैं यही एग्जांपल हर जगह पे पुट कर देता, के फोर एफ सी एन सिक्स में ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये वाली चीज है, ये है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये क्या हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्लियर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। अब इसके बाद आ जाओ हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ सकता है, कोऑर्डिनेट नंबर भी आ सकता है। देखो अगर मैं यहाँ पे देखा जाए तो सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दिए जा रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। The number of electron pair which is donated या provided to the central metal atom, that is called coordination number। सही है, इसको क्या नाम दे रहे थे, इसको coordination number का नाम दे रहे थे। मसलन number of, example भी दे रहे हैं, number of electrons, number of electron pair, कितने electron का जोड़ है, electron pair donated to the सेंट्रल मेटल एटम बाया लिगेंड, बाया लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेट नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर है बेसिकली, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम दे रहे होते हैं। के फोर एफ सी एन सिक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सिक्स। अब आओ इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, फाइव। इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सिक्स, ये सिक्स आ रहा है ना। इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, चार पांच और एक क्लोरीन, छः, छः कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्या होगा हमारे पास यहां पे, सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होगा।
अच्छा अब चिलेट्स क्या होते हैं और इसकी एक मिसाल देनी है आपने। अगर देखो मैंने जितने भी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ना, ये सारे के सारे एग्जांपल मोनोडेंटेड लिगेंड की है। अगर मैं बात करूँ बाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, अगर वो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा होता है, किसके साथ जुड़ा हो, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हो, तो उसको हम चिलेट का नाम देना शुरू कर देते हैं। क्या नाम देते हैं? चिलेट का नाम देना शुरू कर देते हैं। मसलन मेरे पास ये वाला, इसको कहते हैं ऑक्सलेटो। क्या कहते हैं? ये ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड पड़ा है ना, यहाँ पे चल गया तो, यहाँ पे चल गया तो ऑक्सैलिक एसिड है, वहाँ से इसको निकाला गया, ये ऑक्सलेट आयन है, सही। तो यहाँ पर अगर मैं देखा जाए, इफ पॉली डेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड में ना मोनो के बाद सारे आ जाएंगे, दो वाला, तीन वाला, चार वाला, पांच वाला, हम दो वाले की एग्जांपल देंगे। इफ पॉलीडेंटेट लिगेंड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम मतलब याद रखें वो दरमियान वाले की बात कर रहा, सेंट्रल मेटल एटम, अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम, देन फॉर्म एंड फॉर्म और बनाए एंड फॉर्म वन और मोर रिंग, मोर इस डेफिनेशन क्वेश्चन का ना लिख देना, मोर रिंग्स देन इट इज कॉल्ड चिलेट्स, इसको चिलेट्स का नाम दे देते हैं। अभी वो मैं तीन लाइनों के लिखी हुई है, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट बता रहा है, सर बेसिकली इसकी डेफिनेशन यही है, अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल का साथ जुड़ा हो और एक से ज़्यादा रिंग बनाए तो चिलेट कहते हैं। मसलन कैसे, ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास ना प्लाटीनियम, मैं उसकी एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, प्लाटीनियम है दरमियान में, इसके इर्द गिर्द ऑक्सलेट आयन मैं बना लेगा, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, सेम ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ पे सी सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे नेगेटिव चार, यहाँ पे नेगेटिव चार, यहाँ पे नेगेटिव चार, यहाँ पे नेगेटिव चार, सही है। तो अब ये देखो, ये पूरे का पूरा इतना है हमारे पास, ये पूरे का पूरा ये एक लिगंड है, ये क्या हमारे पास, ये एक लिगंड है, या अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से भी दे सकता है, यहाँ से भी दे सकता है, सेम काम यहाँ से भी दे सकता है और यहाँ से भी दे सकता है, और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, ये क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, सही है। अब यहाँ पर अगर गौर करोगे ना, हमने यही बात वहाँ पे लिखी है कि अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हो और जुड़ने के बाद एक एक से ज़्यादा रिंग्स बने, यहाँ पर चेक करो ये रिंग बन रही है पूरी पूरी, ये देखो ये रिंग बन रही है, गोल स्ट्रक्चर को रिंग कहते हैं ना, ये रिंग बन रही है और एक रिंग ये बन रही है, एक या एक से ज़्यादा रिंग्स बने, देन इट इज़ नोन एज, देन इट इज़ नोन एज चिलेट्स, इसको क्या नाम देना शुरू कर देते हैं, चिलेट्स का नाम देना शुरू कर देते हैं। ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, तो ये चिलेट की एग्जांपल आ जाएगी, सही है। कि दो ऑक्सलेट आयन को आपने कनेक्ट कर देना है सेंट्रल मेटल एटम से, किसके साथ कनेक्ट कर देना है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कनेक्ट कर देंगे, और देन द कंपाउंड विल विच वी ऑब्टेन दैट कंपाउंड इज नोन एज अ चिलेट्स, सही है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है बच्चे, वो है नोमेनक्लेचर, नाम देने का तरीका क्या है बच्चे, नाम देने के ना रूल समझ लो, आसान है अगर आपने समझ लिया तो। नाम काफ़ी दफ़ा कंपाउंड के पूछे जा चुके हैं, पास पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो बहुत दफ़ा नाम पूछे हुए हैं, फार्मूला देगा, नाम आपने खुद लिखना, और ये काफ़ी दफ़ा पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, सही है। तो रूल्स जो है ना, देखो मैं यहाँ से कोई भी चीज़ ले लेता हूँ, मैं एक कंपाउंड लेता हूँ उसी के लिहाज से मैं आप सारे के सारे रूल लिखता हूँ, मैं K4FeCN6 मैं हर एक का रूल लिखूँगा,
भाई यहाँ अगर गौर करोगे ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में, ये पहले है। जो पहले वाला होता है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, जो बाद वाला होता है इसके ऊपर हमेशा होगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा होगा चार्ज? पहला रूल ये है, कैटाइन नेम फर्स्ट, नेम फर्स्ट, और एनाइन नेम सेकंड। दूसरे नंबर पे आपने एनाइन को नाम देना है, और पहले नंबर पे किसको देना है नाम? कैटाइन को। कर लिया इस रूल की समझ है? चलो पहले कैटाइन का नाम देना है, बाद में एनाइन का नाम देना है। और एनाइन अगर देखो यहां पे ये वाली चीज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये इतनी चीज हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें? लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम, CME लिख रहा हूं, सेंट्रल मेटल एटम। तो आप पहले लिगेंड का नाम दोगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम दोगे। लिगेंड नेम फर्स्ट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की आप बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड का पहले नाम दोगे और सेंट्रल मेटल का नेम सेकंड। अब जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये दो तरह के कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो सकता है। अगर आप यहां पे देखो ना, कुछ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इससे पहले आ रहे हैं, ये बात नहीं, मतलब यहां पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव होगा और दूसरे वाला क्या होगा? नेगेटिव। यहां पे ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला, यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है और बाद वाला क्या होगा, मतलब जो पहले वाला होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरे वाला क्या होगा? ये आपने सेम उसी तरह है जैसा साल्ट है, साल्ट के लिए नाम देने के लिए पहले क्या करते, सोडियम पे लिखते हैं क्लोराइड, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है। सेम रूल पहला वाला वहां से उठाया है कि पहले कैटाइन का नाम देना है, बाद में एनायन का नाम देना है। हमेशा पहले वाला पॉजिटिव होगा, दूसरे वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये एक सिंपल सी बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। अब जो सेंट्रल ये वाला चीज है ना, इसमें एक और रूल याद रखना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम देते वक्त एक रूल और याद रखें। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, किसकी बात करूंगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करूंगा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इन दोनों में से एक होगा, पॉजिटिव के साथ एक और लिख लो न्यूट्रल, इनके लिए रूल सेम है, न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिव हो, तो फिर याद रखिएगा नेम ऑफ मेटल अनचेंज, नेम ऑफ मेटल अनचेंज, मेटल का नाम नहीं बदलेगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब क्या है, दूसरे नंबर पे है, ये वाला केस हो, या फिर भाई एक यहां यही वाला केस मान रहा है, सही है, तो हम और भी एग्जांपल ले लेंगे बुक के ऊपर से ना, कुछ और एग्जांपल लिख के कर लेंगे। यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, नेगेटिव। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो तो फिर आप पता क्या करोगे, सुफिक्स ए टी ई, ए टी ई इज एडेड, मेटल के लास्ट में ना सुफिक्स ए टी ई एड करोगे, जिस तरह प्लाटिनियम है ना, तो इसका नाम आप इस तरह लिखोगे प्लाटिनेट, प्लाटिनेट, लास्ट में क्या ऐड कर दिया, ए टी ई, सही है, क्या ऐड कर दिया, सुफिक्स ए टी ई। इस तरह मैं कहता हूँ जी आयरन है, आयरन के लिए हम यूज करते हैं फेरम, तो आप जब सुफिक्स ऐड करोगे तो क्या बनेगा, फिर रेट, लास्ट में क्या ऐड करोगे आप, ए टी ई, क्या ऐड करोगे आप, हमेशा ए टी ई ऐड करोगे। लिगेंड में भी एक रूल आ गया भाई, इसके बाद खत्म हो जाएगा। लिगेंड में आगे क्या रूल है, इन रूल्स को लिख लीजिएगा। लिगेंड बेसिकली दो तरह के होते हैं, मैं यहां बता भी दिया, नॉर्मली दो तरह के होते हैं, या न्यूट्रल होगा या, अगर तो लिगेंड न्यूट्रल है तो लिगेंड का नेम अनचेंज रहेगा, अनचेंज रहेगा। अगर लिगेंड क्या है, नेगेटिव है, तो आप सुफिक्स ओ ऐड करोगे, यूज सुफिक्स ओ। मैं इसकी बात कर लेता हूं, सी ओ एक लिगेंड है, इसको कहते हैं कार्बोनाइल, ये ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, कार्बोनाइल।
H2O, इसको कहते हैं एक्वा। क्या कहते हैं? एक्वा। अगर हमारे पास कोई लिगेंड नेगेटिव आ जाए, जिस तरह OH के ऊपर चार्ज आ जाए नेगेटिव, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड, है ना, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सो, हाइड्रो सुफिक्स ओ यूज कर लिए, यूज सुफिक्स ओ, हाइड्रोक्सो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, लास्ट में ओ है। लेकिन ये रूल 2004 में तब्दील हो गया, आपकी बुक में वैसे का वैसा मौजूद है, सही है। तो ये रूल 2004 में तब्दील होकर कुछ इस तरह कर दिया गया था कि आपने लास्ट में सुफिक्स यूज करनी है आई डी ओ, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ब्रोमोने, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, सही, इस तरह आई डी ओ इस्तेमाल करोगे। लेकिन हमारी बुक के अंदर इस तरह है तो हम सेम रूल यूज़ करेंगे। चले, यह था जी हमारे पास टोटल रूल्स जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। लेट्स सी, और एक और चीज़ रह गई है, एक रूल रह गया है, वो वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उससे अच्छा है कि आप इनके ना वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर याद रख लीजिएगा, 4 या 5 एलिमेंट के याद रखने पड़ेंगे और वही यूज़ होते हैं। तो बच्चे, जब आपने मेटल का नाम देना ना सेंट्रल मेटल एटम का, तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर इज राइट इन रोमन वर्ड, इन रोमन वर्ड, आपने रोमन वर्ड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। क्या मतलब है? लेट्स सी, मैं वहां से एक कंपाउंड उठाता हूं, पहले वाला दूसरे वाला उठा लेता हूं, K4 FeCN6, K4 FeCN6, पहले इसका नाम देना, बाद में इसका नाम देना, सही है। तो ये क्या क्या चीज़ है हमारे पास? पोटाशियम। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देने के, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी रूल है, पहले अंदर वाले का नाम देना है। अंदर वाले में देखो, ये साइनाइड है, इसको सियानो कहते हैं, CN, सियानो। कितने हैं सियानो? 6। तो क्या कहेंगे? हेक्सा सियानो। हो गया लिगेंड। अगर लिगेंड एक से ज्यादा आ जाए तो फिर आप अल्फा, बाकी रूल अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ लिया है तो रूल वही है। अगर एक से ज्यादा आ जाए लिगेंड तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को इस्तेमाल करोगे। अगर अल्फा हमारे पास ये वाली जो चीज़ है एक से ज्यादा आया तो आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये अल्फाज इस्तेमाल करो, हेक्सा से आनो। और लास्ट में देखो, ये वाला आप लिगेंड कौन सा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम देते वक्त आपने एक चीज याद रखनी है, लास्ट में सफिक्स यूज करोगे 8, क्योंकि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव आता है तो सफिक्स यूज करोगे 8, फिर 8। और लास्ट में एक और चीज बच्चे, यहां पे ब्रैकेट डाल के ना आपने आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं भैया? यहाँ पर निकालने का तरीका आपने बेसिकली फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है। यहाँ पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, 4 पोटाशियम में 1 पोटाशियम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 1। आयरन का मैंने निकालना चाहता हूँ, सही है। और साइनाइड है, कितने साइनाइड है? 6। और एक साइनाइड का -1 होता है, इक्वल टू रखोगे 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। 4 x -6 = 0, x -4 = 0, -2 आना यहाँ पे, -2 और साइड में जाके +2, और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस में आएगा, याद रखिएगा, मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस में आएगा। तो 2 को रोमन वर्ड में हम इस तरह लिखेंगे, ले ये नाम दे दिया, ये तरीका कार है। अब इसका नाम देते हैं जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए ये भी अनचेंज रहेगा लिगेंड का नाम, और दूसरा नाम भी अनचेंज रहेंगे। आज इसमें जाकर लो सियानो के लास्ट में ओ आ रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या जी, पेंटा 5, देखो ये पूरा का पूरा एक ही, पहले लिगेंड का नाम दोगे तो दोगे पेंटा कार्बोनाइल आयरन फेरम, या आयरन भी लिख सकते हो और आगे लिख दोगे 0, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का 0 आएगा, CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, अमोनिया का हो गया, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर, NO2 का भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, सही है, ये याद रखना। अब इसका नाम देते हैं, इसके कर लेते हैं, अगर ये वाला आ गया, बाकी प्रैक्टिस कल को भी कर लेंगे।
चलो पहले ये चेक करो ये पॉजिटिव है तो मतलब ना तो यहाँ पे प्लैटिनम प्लैटिनम ही रहेगा, इसको प्लैटिनेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव है कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो मेटल एटम अनचेंज रहेगा। तो पहले आपने नाम देना है, इसको कहते हैं अमाइन, इसको कहते हैं नाइट्रो, इसको कहते हैं क्लोरो। अब देखो क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, एन से और ए से, पहले क्या करोगे ए वाले का, तो टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, फिर क्लोरो, क्लोरो नाइट्रो, नाइट्रो के बाद हमारे पास क्या आएगा प्लैटिनम, प्लैटिनम। आगे मैं ब्रैकेट डाल के जगह छोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वहां पे मेटल एटम के साथ ही वो लिखना, क्या नाम है ऑक्सीडेशन नंबर, उसी के आगे जहां मेटल एटम का नाम आएगा ना प्लैटिनम, वहां पे उसके आगे लिखोगे। और लास्ट में क्या आएगा सल्फेट, क्या आएगा हमारे पास सल्फेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मैं यहां पर निकाल लेता हूं। देखो प्लैटिनम का निकालना है एक्स लिखूंगा, प्लस क्लोरीन का माइनस वन होता है, प्लस नाइट्रो का भी माइनस वन है, प्लस अमोनिया का चार मल्टीप्लाई बाय जीरो, और सल्फेट का ऐसा फोर का होता है माइनस टू, माइनस टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऐसा फोर के ऊपर चार्ज माइनस टू होता है, जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, सही है। तो आप निकालो, ये बनेगा माइनस टू, ये वैसे जीरो, माइनस टू इक्वल जीरो, माइनस फोर इक्वल टू जीरो, प्लस फोर। तो यहाँ पे आप फोर को कुछ इस तरीके से लिखोगे। चलिए जी आज इतने कर लो, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद प्रैक्टिस कर लेंगे कि इसको मज़ीद किस तरह करेंगे। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, इसको देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और पास पेपर में यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अल्लाह हाफिज़।